जनवरी के महीने में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद पीडी सुधाकर डीईआरसी के चेयरमैन पद से रिटायर हुए। मार्च महीने में दिल्ली सरकार ने पूर्व आईआरएस अधिकारी कृष्णा सैनी को चेयरमैन नियुक्त कर दिया। डीआरसी के चेयरमैन पद पर की गई नियुक्ति के लिए केजरीवाल सरकार ने भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सिलेक्शन 85 के मुताबिक कमेटी का गठन किया और उसके आधार पर ही नियुक्ति की गई, लेकिन पूरी प्रक्रिया में उपराज्यपाल से कोई मंजूरी नहीं ली गई। जबकि 20 फरवरी 2004 को जारी केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसे मामले में फैसले का अधिकार उपराज्यपाल का है। एलजी नजीब जंग ने भी माना कि नियुक्ति में तय नियम का पालन नहीं किया गया। हालांकि 4 अगस्त को हाईकोर्ट के आदेश में भी नियुक्ति को अवैध ठहराया गया था। अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने सरकार को नियम के मुताबिक डीआरसी के नए चेयरमैन की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है, लेकिन केजरीवाल सरकार की पसंद माने जाने वाले कृष्णा सैनी को डीआरसी के चेयरमैन पद से हटाने का आदेश सरकार के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।